अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर अवान उसाब डिजिटल के साथ। वो नौजवान जिन्हें हर वक्त तलाश होती है नई कंपनियों के मोबाइल ख़रीदने के लिए, भाई उनके लिए खुशखबरी है कि हुवावे की जानिब से Y7A मार्केट में मुतारिफ करवा दिया गया है। आज इसी Y7A का रिव्यू करने के लिए मैं इस वक्त लाहौर के हार रोड पर मौजूद हूँ। एक दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने Y7A हाथ में पकड़ा हुआ है। इनसे बात करते हैं कि ये जो Y7A है, इसकी इसके फीचर क्या क्या हैं, इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, क्योंकि ये कल से मुतारिफ करवाया गया है तो अब तक काफ़ी सारे लोग इसे ख़रीद चुके हैं, तो कस्टमर्स की इसके बारे में क्या राय है। भाई बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। आप मुझे बताइएगा कि चूंकि ये अभी हाल ही में मुतारिफ करवाया गया है तो इसके फीचर क्या क्या हैं? सर, सबसे पहली बात, सबसे पहले इसके अंदर आपको डिस्प्ले साइज़ मिल रहा है 6.67 FHD+ अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले। इसमें आपको मुतारिफ किया है कि अल्ट्रा पंच डिस्प्ले जो है वो सेंटर में आपको मिलेगा। थर्ड, इतने बड़े इस रेंज में इतने बड़े साइज़ के साथ आपको कोई भी कंपटीटर ब्रांड आपको नहीं मिलेगा। थर्ड, इसमें 5000 mAh की बैटरी है जो कि लॉन्ग लास्टिंग है। फोर्थ, देखिए ये 22.5 वोल्ट का इसमें आपको चार्जर प्रोवाइड किया गया जो आपको 0% से 53% जो आपको बैटरी बैकअप देगा वो देगा आधे घंटे में। फिर थर्ड, इसका अगर फ्रंट कैमरे की बात कर लें तो इसमें आपको मिलेगा 8 MP का पंच फुल व्यू डिस्प्ले के साथ। फिर थर्ड, आपको बैक कैमरे में मिलेगा 48:8:202। इसके बैक पे चार कैमरे दिए गए हैं जो कि आप मुझे ये ज़रा मोबाइल दिखाइए, मैं इसे पकड़ लूँ, पकड़ने के पैसे तो नहीं है। ये देख सकते हैं जी आप, ये Y7A, इसकी ये वाली लुक है, ये इसका फ्रंट है। आप इसका कैमरा भी देख सकते हैं, इसकी आप स्क्रीन भी देख सकते हैं, इसका ये बैक है, ये देखें आप। और इसके जो कलर हैं वो भी यकीनन मुख्तलिफ होंगे, तकरीबन इसके 1, 2, 3, 4 कैमरे हैं भाई इसमें Y7A में। इसके मुतालिक मज़ीद बताइएगा। सर, इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है वो आपको किरण 710 जो हुआ अपना प्रोसेसर यूज़ करता है उसमें 2.0 में आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा जो कि GPU टर्बो के साथ है। ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट आजकल की जो जनरेशन है वो कहती है हमारी गेमिंग लैग ना हो, PUBG, नीड फॉर स्पीड इस तरह की जो गेमिंग है वो भी आपको इसमें G52 MP4 के साथ लेटेस्ट GPU टर्बो लगा हुआ है वो भी इसमें मौजूद है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कह लें कि 128 GB इसकी इंटरनल स्टोरेज है जिसमें आप अपनी पिक्चर्स अपनी वीडियोस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकते हैं। अच्छा, कुछ मोबाइल जिनमें हमने देखा होगा कि हम गेम्स वगैरह करते हैं या जो हैवी एप्स होती हैं वो हम करते हैं तो मोबाइल हैंग हो जाते हैं, इसका तो नहीं ऐसा कोई सीन होगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके अंदर Kirin 710A प्रोसेसर लगा हुआ है 2.0 ऑक्टा कोर के साथ। थर्ड, इसमें GPU टर्बो है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। GPU टर्बो का मतलब होता है कि आपके ग्राफिक्स को, आपकी गेमिंग को और आपके फ़ोन के जो अगर आप 1080p या 4K वीडियोस इस पे चला रहे हैं तो वो आपकी गेमिंग को या फ़ोन को हैंग नहीं होने देगा। ठीक है, तो इसकी गारंटी कितनी है? गारंटी इसमें आपको 1 साल की वारंटी मिलेगी। ओवरऑल कह लें कि आपके फ़ोन टोटली सेव है, इसमें सिर्फ डैमेज की वारंटी नहीं आती, बाकी आपको ओवरऑल फ़ोन की वारंटी मिलेगी जो कि अभी पाकिस्तान में इसकी प्राइस अभी कह लें कंपटीटर ब्रांड में आपको ये 36,000 में मिलेगा जो कि और ब्रांड और कंपनी अभी नहीं दे रही। जो इसकी दूसरी सीरीज़ हैं जैसे ये Y7A है, Y8A, Y9A, वो पहले मुतारिफ करवा दिया गया, तो ये क्या वजह होती है? ये मतलब मेरा भी सवाल है और जो सॉ डिजिटल देखते हैं ये उनका भी यही सवाल है। सर, ये पाइपलाइन में मॉडल्स होते हैं कि जो जो मॉडल्स ऑन द स्पॉट रनिंग में या आपको देखा जाए कि कंपटीशन में या मार्केट में लॉन्च कर दिए जाते हैं उसके और कह लें कि कंपटीशन में लाने के लिए, उनकी सेल तोड़ने के लिए, उनको रोकने के लिए, एक मार्केट शेयर लेने के लिए मॉडल्स टाइम टू टाइम आपको मार्केट में मिलेगा। भाई अगर आप लोग घर से 36,000 रुपये लेकर आएंगे तो ये आपको 1 रुपया वापस करेंगे क्योंकि इसकी कीमत ये जो लिखी हुई है ये है 35,999 रुपये। तो ये था आज का हमारा रिव्यू, मिलेंगे फिर किसी और नए रिव्यू के साथ, तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।